ओबीसी पूरी तरीके से प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद से बाहर हो जाएगा। तो हमने केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री से इमीडिएट हस्तक्षेप की मांग की है और सरकार ने इसमें रिव्यू पिटीशन दायर करने का फैसला भी किया है। और तब तक हमारी यही मांग है कि जब तक ये रिव्यू पिटीशन दायर हो और मामला सुप्रीम कोर्ट में हो, तब तक जितनी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में नियुक्तियाँ हैं उन पर तत्काल रोक लग जानी चाहिए। मैम, अगर ऐसा नहीं करती है सरकार तो क्या लोकसभा चुनाव में? देखिए, हमने प्रधानमंत्री के समक्ष इस मामले को सर्वदलीय बैठक में उठाया है और उसके बाद ही सरकार ने समीक्षा याचिका रिव्यू पिटीशन दायर की है। इसलिए मैं पूरी उम्मीद है कि सरकार इस मसले का जल्द से जल्द कोई हल निकालेगी। एक सरकार ने प्रदेश को समृद्धि और विकास के रास्ते पर ले जाने वाला बजट पारित किया है। अगर हम देखें तो कानून व्यवस्था से लेकर कृषि से लेकर तमाम विषयों पर सरकार ने ध्यान दिया है। प्रदेश में नए थाने बनाए जाने के लिए बजट आवंटित किया गया है। कृषि क्षेत्र को 892 रुपये का बजट पारित किया गया है। इसी प्रकार मत्स्य पालन के लिए, पशुपालन के लिए, गौ संरक्षण के लिए